अब भाई काजल को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं किसकी नजर लगी भाई अब। अरे वाह, माँ तो किचन में बैठ के खाना खा रही है। दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए ये खा ले खाना। संजू कर रहा है यहाँ प्लम्बर का काम और पानी इसके रोम रोम में घुस गया अभी, जहाँ लाखों की सब्जियाँ होती है हर साल। अरे वाह, लगे हैं भालू की तरह बैठे हुए खाने पे। और हरी सब्जी में राई की सब्जी सबसे स्वादिष्ट होती है। कितने लाख की हुई इस बार राई? 13 लाख। तो 13 लाख की राय तैयार हो रही है यहाँ पे। हम कुछ चुरा रहे होते तो हमारी मवासी धार लगाई जाती। और इस बेचारे के पास दो धर्म संकट हो गए। इनमें देखो भाई, 3 प्रकार की मिर्च लगी हुई है। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है मॉर्निंग ग्लोरी की फूल। अब तो लोग गाय भैंस का गोबर ले जाते हैं, लेकिन किसी जमाने पहले इंसान ही चले जाता था गोबर डालने खेतों में। जिस खेत में ये गए उस खेत में अभी भी हमारा ढंग से धान होता है। हालांकि चाय तो गर्मा गर्म है, लेकिन स्वाद तो भगवान के भरोसे है। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंत्री गांव से। मौसम की बात करें तो मौसम तो पूरा साफ है और बाकी सूर्यदेव यहाँ तक आ गए हैं और 3-4 घंटे के बाद ठीक पहाड़ के पीछे भी चले जाएंगे। और ठीक सामने की बात किया तो मैंने कंडियों को धूप में सुखाने रखा हुआ है। 3 कंडियां नहीं है और ये रिंगाल से बनी हुई है, तो इसको धूप में अच्छे तरीके से सुखाना पड़ता है, तब जाके इस पे गोबर सार सकते हैं। अगर इनको सुखाएंगे नहीं तो फिर कंडी टूट जाती है। और देखिए कंडियों पे जुगाड़ क्या किया जाता है। जैसे कंडियों का नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें कट्टा लगा दिया जाता है ताकि इस कट्टे पे इसका वजन पड़े, क्योंकि इसके जो नीचे का हिस्सा होता है ये थोड़ा कमजोर होता है, तो इस वजह से इस पे ऐसा कट्टा लगाया जाता है। तो माँ ने अभी एक ही कंडी पे लगाया, ये 2 कंडियां हैं, माँ इन पे भी लगाएगी अभी कट्टा। और गौशाला की बात करें तो मधुली और काजल को अंदर बांध रखा है क्योंकि कड़कदार धूप लगी हुई है। अनीता तो कब की चले गई थी स्कूल, नाना जी भी जा रखे अपने काम से मार्केट की साइड और बाकी माँ खेतों में जा रखी काम करने। और अगर चरपाई के नीचे की बात करें तो यहाँ शेरू बैठ रखा है, तो इसको बहुत दर्द हो रहा है अभी भी, और अभी भी भाई साहब ये ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है, ना ही ये ज्यादा चल रहा है। शेरू, शेरू ठीक है? अरे ठीक हो जाएगा, टेंशन न ले। अभी हम इसकी रोज रात को गर्म पानी में नमक डालकर उस पानी से सिकाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दर्द ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देख के लग रहा है कि अभी भी दर्द उसको हो रहा है, क्योंकि एकदम मुरझा के बैठ रखा है, ना ज्यादा इधर उधर जा पा रहा है। तो चलिए थोड़ा संजू के घर की तरफ चलते हैं। तो मैं जब भी अपने पुराने वाले घर को देखता हूँ तो मुझे दादा की और दादी की याद आती है, क्योंकि दादा और दादी मस्त करके वहाँ बरामदे पे बैठे रहते थे और हम स्कूल से आते थे शाम को, फिर यहीं खाना खाते थे। दादाजी तो कब किस दुनिया से चले गए, लेकिन दादी अभी है, लेकिन दादी भी बहुत ज्यादा सीरियस हो रखी भाई। तो संजू तो अपने घर में नहीं है, लेकिन किसी ने बोला कि संजू पर खेतों में जा रखा है, लगा है खेतों की सिंचाई करने पे। तो संजू ने अपने घर से ये पाइप ले जा रखा है। ठीक सामने की बात किया है तो माँ लगी यहाँ घास की कटाई करने पे। माँ क्या कर रही है? अच्छा घास काट रही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं संजू को देखने जा रहा हूँ ये क्या कर रहा है। चलो मैं फाइनली इस वाले सगवाड़े में आ गया हूँ जहाँ लाखों की सब्जियाँ होती है हर साल। और भाभी जी क्या हाल है? अरे वाह, लगे हैं भालू की तरह बैठे हुए खाने पे। काकड़ी, अरे वाह, किसकी लाइट टपाएगी? अच्छा अपनी होगी, ऐसी बोलना कैमरे के आगे ने। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी भाभी यहाँ लगी है काकड़ी खाने पे और ठीक यहाँ की बात किया तो वो देखो। हाँ भाई, जल विभाग वालों को फोन करता हूँ, तूने सारा पानी खत्म कर दिया वहाँ। बाकी इस बार इन्होंने इस खेत में राई की सब्जी उगा रखी भाई, और हरी सब्जी में राई की सब्जी सबसे स्वादिष्ट होती है। अबे संजू, हेलो, कितने लाख की हुई इस बार राई? 13 लाख। अरे वाह, यानी कि जो थार का है सबसे लो मॉडल तो आ ही जाएगा। ठीक है, और थार के 5 डोर हो रहे हैं ओपन। अंजू भाई कब कराऊं बुकिंग? बस कल काटती है परसों। अच्छा चलो ठीक है, 13 लाख की राय तैयार हो रही है यहाँ पे। बाकी ठीक सामने पे देखो भाई, हमारे खेतों में गाय माता भी आ रखी भैया, और ये हमारे गांव वालों की नहीं, किसी और गांव वालों की है, और बिंदास होके चल रही है वहाँ पर। बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठाट चंद्र सिद्धि योग लग रखे हैं गाय माता के। और ऐसे चंद्र सिद्धि योग कभी हमारे होते तो आहा मजा आ जाता। अगर हम होते उसके बदले और हम कुछ चुरा रहे होते तो हमारी मवासी धार लगाई जाती, कई पीढ़ियों तक देवता चलते रहते। इस बेचारे के पास दो धर्म संकट हो गए, एक तो राय सींचने का और दूसरा भारत न्यूजीलैंड का मैच चल रहा उसको भी देख रहा है, और वहाँ भी विकेट नहीं जा रही न्यूजीलैंड का, तो बेचारा घबरा रहा है। अबे ये सोच के तो कमजोर हो गया, क्या होगा तेरा? टाइम पास, हाँ टाइम पास कर, जिंदगी हमारा टाइम पास कर रही, तू भी कर टाइम पास। बाकी इस वाले सगवाड़े में ये सारे मिर्च के पौधे हैं और इनमें देखो भाई, 3 प्रकार की मिर्च लगी हुई है, यानी कि 3 कलर में। हालांकि मिर्च सेम है लेकिन इनके कलर अलग अलग है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ ये लगी है लाल मिर्च, ठीक उसके यहाँ पर ये देखो भाई, ये लगी है काली मिर्च, ये ब्लैक कलर की है, और ठीक यहाँ पर देखो ये है ग्रीन कलर की मिर्च। तो आज पहली बार देख रहा हूँ एक ही सगवाड़े में एक ही तरह की पौध है और उन पौध पे 3 रंग की मिर्च लगी हुई है। अब ये देखकर तो मुझे ये भी लग रहा है जिस प्रकार से इंसान रंग बदलता है उस हिसाब से मिर्च भी अपना रंग बदल रही है।
ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए, यहाँ तो 3-4 मात्र शक्ति लगी है घास की कटाई करने पे। हमारे गांव वालों ने अभी अपने खेतों में गेहूं की बुआई नहीं की, लेकिन ठीक सामने देखे, सामने वाले गांव के खेतों में लोग गेहूं की बुआई करने लग गए हैं। गेहूं की बुआई करने से पहले खेतों में कंडे की मदद से गोबर ले जाना पड़ता है। अब तो लोग गाय भैंस का गोबर ले जाते हैं, लेकिन किसी जमाने पहले इंसान ही चले जाता था गोबर डालने खेतों में। क्यों भाभी जी, सही बोला मैंने? है भाभी जी, पहले इंसान जाता था खेतों में गोबर डालने, क्योंकि पहले के जमाने गांव में लैट्रिन बाथरूम नहीं होते थे, तो लोग बोलते थे जाओ हमारे खेतों में जाओ गोबर करने। क्यों भाई, याद है ना तुझे? और इसको तो ढंग से याद होगा नहीं? हाँ, जिस खेत में ये गए उस खेत में अभी भी हमारा ढंग से धान होता है। इसका तो नाम ही है वो बटागार। बटागार का मतलब होता है जो रास्ते पे ही बैठ जाता है ठीक ठाक होने। जहाँ ललिता जाती थी उस खेत में, जहाँ हम गेहूं की बुआई नहीं भी करते हैं, तो वहाँ खुद ही गेहूं आ जाते हैं। हम बोलते हैं ये क्या चमत्कार हो रहा है, फिर याद आता ओहो किसी जमाने ललिता जाती थी वहाँ, उसने उस टाइम का इतना गेहूं खाया है। वो गेहूं अभी भी फूल रहा भाई वहाँ खेतों में। वो तेरी देन है भाई सारी, भूल गए हैं? भूल गए? आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, मतलब सब चीज भूल जाती है, हैं? बुरे दिन भूल गए अपने। मैं खुद बोल रहा था जा हमारे खेतों में जा, हैं? आज लैट्रिन बाथरूम मंगे तो बिल्कुल धाक से चल रही है। और बाकी मेरी माँ तो लगी, माँ घर आने की कब तक उम्मीद रखूं मैं? हैं बाद में पक्का? चलो ठीक है, माँ की तो उम्मीद ही लगा सकते हैं टाइम से घर आने की, उम्मीद तो कभी पूरी नहीं होती। हाँ अचानक से आ जाती माँ जी कभी कभार जल्दी, जैसे कि बादल फट गया हो। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है मॉर्निंग ग्लोरी के फूल, अभी तो मस्त करके खिल रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे ये सूखते जाएंगे। और बाकी संजू ने जो खेतों में पाइप ले जा रखा था, तो यहाँ पर पानी आ गया, यानी कि यहाँ पर उसने ज्वाइंटर लगा रखा था, तो माँ को इतनी प्यास लगी कि माँ यहीं पे आ गए पानी पीने। तो संजू के घर में आते ही सबसे पहले यहाँ देखो संजू कर रहा है यहाँ प्लम्बर का काम, और भाई साहब काम कम और पूरा भीग गया पानी से, और पानी इसके रोम रोम में घुस गया अभी। हेलो, कहाँ कहाँ चले गया पानी? ओहो, तो लगा है उसको कसने पे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब है। ओहो भाई साहब, तो ठीक ठाक हो गए पानी से, और अभी भी इसके वॉशर को कसा नहीं जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही इसको कसने में। चलो मैं पिछले आधे पौन घंटे से प्लम्बर लगे थे इस पानी को रोकने पे, और आखिरकार वॉशर पूरा लग गया वहाँ। हेलो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? है इस लायक भी नहीं जिंदगी नहीं। ओहो, तो देखो भाई प्लम्बर बनना भी आसान नहीं होता है, संजू का कच्चा बनियान सब भीग गया भाई। दरअसल यहाँ से इसलिए पाइप को खोला गया क्योंकि जो इनका वॉशरूम है इसमें ये फिटिंग उधर के लिए प्लास्टिक की दे रखी है, तो यहाँ से क्या हो गया था कि इनका थोड़ा यहाँ से टूट गया था, तो इसमें फिर से सॉल्यूशन लगाए तब जाकर उसको वहाँ से पानी हटाना पड़ा। अब इसका सॉल्यूशन ढंग से लग गया है और अभी लीक नहीं हो रहा है। लेकिन भाई साहब संजू को देख के बड़ी दया भी आई, मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी प्लम्बर का काम करते करते संजू भाई के रोम रोम में पानी घुस गया, तो उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जा रही है। और बाकी अंदर बना रही है कक्कू चाय। हेलो, बहु गलता नहीं चाय मत बनाना है, अब शुगर हो जाए कोई बात नहीं, पर शुगर डाल उसमें, नहीं तो बिना शुगर का शुगर हो रहा है। हाँ बना उसको बढ़िया चाय, ठीक है? कितनी चम्मच डाल दी है? देख ले, 2-3 चम्मच पेल दे। अरे वो चाय पत्ती है, शुगर बोल रहा हूँ, वो मत पेलना वहाँ, ठीक है? बढ़िया चाय बना, शाबाश। और बाकी यहाँ इतना अंधेरा कि यहाँ दिन में भी लाइट खोलनी पड़ती है, इस बार तो इन्होंने रंग मालिश कर रखी है। तो विश्व का सबसे खतरनाक चमत्कार हो गया दोस्तों आज, अभी तो संजू के घर में गर्म गर्म चाय बन रही है, यानी कि मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, आज मेरी माँ घर आ गई भाई। जय हो माँ, पाँव कहाँ आपके, जय हो प्रभु, आज माँ घर आ गई भाई, आज तो कसम से पूरे गाँव में आज लड्डू बांटूंगा मैं। चल रनू, माँ बोल रही खाना खाने चल, बोल मैंने खाना बना रखा है, चल आगे मैं, चल तू आगे मैं एक चाय पी रहा हूँ संजू के हाथ की, सटेगी मैं, और तू सट ना दे तक वा। हाँ ठीक है, चलो भाई माँ आज बहुत जल्दी आ गए घर। चलो भाई अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, पहली बार हुआ चमत्कार मेरी लाइफ में, तो पहली बार हो रहा है चमत्कार। बाकी मैं ढलता नहीं, सॉरी मतलब बढ़िया चाय बन रही है, यहाँ कक्कू बना रही है, चाय पी लेता हूँ। और ये भी अपने घर से छुप रही है, क्यों घर वाले काम करवा रहे थे नहीं, यहाँ बैठ रही, इसका तमाशा देख रहे बेचारा, प्लम्बर बना हुआ कहाँ कहाँ गया वो पानी बता दे एक बार, वो कचा कहाँ सुखान डाला तूने? ओहो देखो भाई सूख भी गया बहुत जल्दी। चलो भाई कक्कू ने मस्त वाली गर्मा गर्म चाय बना दी है, हालांकि चाय तो गर्मा गर्म है लेकिन स्वाद तो भगवान के भरोसे है, और गिलास भी ठीक ठाक दे दिया है, कहीं फेंकने जरूरत न पड़े कहीं है। नहीं बहुत अच्छी है भाई। ना अच्छी तो तू जरूर है, लेकिन चाय तेरे हाथ से वही वाली बनती है, कसम से, तब ठीक है। देखो कक्कू अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कक्कू जब चाय बनाती है ना सबसे बुरी लगती है। अरे वाह आज चमत्कार हो गया भाई, जिंदगी में 2 चमत्कार हो गए, आज चाय भी बढ़िया बना दी इसने। अरे पागल, बधाई हो, चाय बहुत अच्छी हो रही है, इस बार पास है तू बीए में?
अच्छा चल ठीक है, पास है इस बार, पास है। चल अबे संजू की माँ भी घर आ गई और हमने गर्म गर्म चाय भी भजका ली, तब तक नहीं तो भाभी जी गाली दे देते। भाभी जी ठीक है तब मैं चला है, ठीक है अब आप आ गए, बेफिक्र रहो है, अब हम अपने घर पधारते हैं। चलो अबे घर आ गया और बाकी शेरू तो यहाँ मस्त करके बैठ रखा है। हाँ भाई दर्द हो रहा नहीं, चल कोई नहीं सोए रहे, बाकी दवाई भी हम उसकी लगा ही रहे हैं टाइम टू टाइम। चलो भाई माँ जी कहाँ है? अरे वाह माँ तो किचन में बैठ के खाना खा रही है, सही है सही है। और आज के खाने में माँ ने बना रखी है घर के चावल और साथ में राय का साग। आज बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं राय का साग, यानी कि सीजन की पहली राय का साग खा रहा हूँ मैं। तो समय भी दिन की 2:30 बज रहे हैं, मैंने खाना खा लिया और बाकी माँ ने भी खा लिया है। और माँ की तैयार होगी फिर से घास के लिए जाने के लिए। माँ कहाँ जा रहे तू? फटोफटो चल ठीक है ठीक, जल्द आना है। ठीक 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 ठीक। माँ जा रही घास के लिए और बाकी माँ बोल रही मैंने बोल मधुरी को बाहर निकाल दिया है। अरे वाह मधुरी और काजल दोनों बाहर आ गए भाई। हेलो क्या हाल है पगली? पगली ठीक है तू? ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। और बाकी मधुरी को भी बाहर निकाल दिया माँ ने, क्योंकि 2:30 बजे ही हमारे गौशाला की धूप चले गई है और ठीक सामने देखिए लगभग सूर्य देव पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं, तो इसलिए माँ ने मधुरी और काजल को बाहर निकाल दिया है। अब भाई काजल को पता नहीं क्या हो गया, ये आजकल टाइम टू टाइम दूध नहीं दे रही है, सुबह 9-10 बजे दे रही तो रात को भी 9-10 बजे ही दूध दे रही है, पता नहीं किसकी नजर लगी भाई। अब समय अभी 4 बज रहे और मेरे को भयंकर गहरी नींद पड़ी, और जब मैं अनिता आई, अनिता ने खाना भी खा लिया तब जाके उसने मेरे को अभी उठाया, मुझे पता ही नहीं चला उसकी छुट्टी कब हुई। और बाकी यहाँ देखो भाई काजल तो मेरे पे देख रहे, लो पगली मस्त करके ये दोनों बैठ रखे यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर शेरू भी बैठ रखा है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और धूप तो हमारे घर से बहुत जल्दी चले जाती है, यानी कि जल्दी धूप आती है तो फिर शाम को जल्दी चले जाती है। और खेतों की बात किया है तो मातृ शक्ति तो लगी है काम पर। और भाई अनिता नहीं आती तो मैं सोया हुआ रहता भाई। हेलो अरे बस 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 ऑन कैमरा। हाँ हाँ कर लिया था तूने, उठाया मेरे को नहीं, मेरे को भयंकर गहरी नींद पड़ी हुई थी। अरे तूने ब्लॉग बनाना था चुप कैसे ने? हाँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कंबल निकाली और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मैं सो गया था, लेकिन अनिता आई तब बाद में उठा ली मेरे को मस्त करके हैं। और अनिता उठ गई और अनिता ने खाना तो खा लिया और बाकी साथ में यहाँ मेरे ब्लॉग देख रही भाई। हाँ, रोज देखती है। हाँ चल ठीक है, पढ़ाई भी करना रोज है। अच्छा मेरी फैन है तू? ए बाबा खतरनाक फैन है भाई, ये पलटू फैन है, कभी पलट सकती है, इसके मन की नहीं हुई तो पलट जाती है। तो समय अभी 4:15 बज रही है और नाना जी भी आ गए हैं, और नाना जी ने आते ही भाई साथ में पकौड़ी भी ला रखी भाई, कितना 1 किलो है, 1 किलो पकौड़ी भी ला रखी भाई। और पकौड़ी का नाम सुनते ही अनिता खुश, हेलो क्या खाएगी? मैं तो पिज्जा। ए बाप पिज्जा खाएगी तो सपने देखना बंद कर दे अब। और बाकी यहाँ की बात करें तो अनिता ने यहाँ चाय लगा रखी है, बहुत बढ़िया मस्त उबल रही भाई। सही है तेज तरह उबल रही। नहीं हाँ ठीक है। चलो भाई अनिता ने गर्म गर्म चाय भी बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और गर्म गर्म चाय के साथ अब मस्त करके पकौड़ी भी दी जाएगी, चाय के साथ पकौड़ी खाने का आनंद ही कुछ और है। दे दीजिए प्रभु दे दीजिए, ये तो एक कटोरी पकौड़ी भी मिल गई, आराम से खाओ। कैसे हो रही चाय? भयंकर। खा ले खाना। तो जैसे ही शाम हो रही है पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड लग रही भाई, यानी कि शाम होते होते जैकेट पहननी पड़ रही और रात होते होते सीधे रजाई में सोना पड़ रहा भाई। और जबकि समय अभी 5 ही बज रही है, इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। और अभी देखो भाई दोनों माँ बेटी लगी है जोग्यार, जोग्यार का मतलब होता है कि खाना तो इन्होंने खा लिया और बाकी जिनके मुंह में घास होता है उसको लगे रहते हैं चप चप करने पे। अब अगली चिंगम खा रही है और बाकी शेरू यहाँ पर बैठ रखा है। चलो जरा छत के ऊपर चलते हैं और छत के ऊपर से गांव का नजारा देखते हैं। और बाकी माँ ने भट यानी कि सोयाबीन को अभी भी छत के ऊपर सुखाने डाल रखा है। अब ठीक सामने वाले गांव के खेतों में देखिए, ये जो आपको काले काले खेत में नजर आ रहे हैं तो ये लोगों ने कंडी के मदद से गोबर खेतों में डाल रखा है। तो धान की लवाई मंडाई के बाद जब धान का पराव पेड़ पे लगा देते थे उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और सेम वही हो रहा है क्योंकि लोगों ने जो धान है उसका पराव बनाकर उसको पेड़ पे लगा भी दिया है। ठीक वहाँ देखो भाई हमारा जो पुराना वाला घर है वहाँ माँ ने पराल सुखाने डाल रखा है, वहाँ एक गाय मस्त करके उस पराल को खा रही है। अब अनिता चलेगी उसको भगाने। तो दरअसल माँ ने उस वाले खेत के चौक पे जो पराल रखा हुआ है तो वो पिछले साल का पराल बचा हुआ है, लेकिन वो आधा से ज्यादा सड़ गया है, इसलिए माँ ने उसको धूप में सुखाने डाल रखा है।
पगली क्या कर रही है, मस्त करके सो रखी वहाँ पे। कभी कभार तो भाई काजल की हरकत ऐसी लगती जैसे इंसान हो भाई, यानी कि उसको सारा पता चल रहा हो, इस पे कैमरा लगा रखा है, इसको कैसी पोज देनी है। ये देखो याने, ए पगली बड़ी सयानी हो गई तू है। और बाकी भाई ये फूल आजकल बहुत अच्छे ढंग से खिले हुए हैं और बाकी इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बचपन में हम ना इनके पत्ते तोड़ते थे और जेब में रखते थे और बार बार सूंघते थे, क्योंकि इनके पत्तों पे बहुत अच्छी खुशबू आती है भाई। अब पता नहीं सेम जैसे उस फूल का पेड़ है वैसे ये वाला पेड़ भी था, लेकिन इसमें फूल ही नहीं लगे भाई। अब पता नहीं क्या हो गया इसको, थोड़ा बहुत इस वाले पे लग रखे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं क्या हो गया ऐसा। खुशबू तो आ रही लेकिन फूल पता नहीं क्या है। अब हो सकता है पता नहीं इसमें कीड़ा लग गया हो या इसकी ग्रोथ ढंग से नहीं हुई हो।